आज मैं खेल रहा था एक न्यू हॉरर गेम, न्यू है तो चलो इसको ट्राई करके देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये सीन समझा आ जाता है जिसमें बेटी पूछती हम कब जाएंगे पापा इधर बाहर घूमने। बाप बोलते हैं नहीं भाई, नहीं बेटा हम नहीं जा सकते, मेरे को बहुत काम है। आप ऐसा करो क्यों ना आप एक छोटा सा ट्रेजर हंट कर लो, जाओ और माँ का नेकलेस का बॉक्स ढूंढ के लाओ। तो बेटी मैं तो हम सॉरी बेटी क्या मेन प्रोटैगनिस्ट तो मैं ही, लड़की में दीदी कोई ना। तो यहाँ पर हमको एक छोटा सा नेकलेस मिलता है, आओ नेकलेस। अरे नेकलेस बाप को देना था, खुद नहीं पहनना था, ये खुद ही पहन लिया, वाह। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट हमारी हीरोइन जब सो रही थी तब उसको अचानक से एक सपना आया जिसमें उसको अपनी माँ दिखती है। तो माँ को बोलती है कि बेटा, माँ बोलती है कि हाँ हम वापिस से मिल सकते हैं, एक चाबी है उस चाबी से जादुई दरवाज़ा खोल दो। तो वही अपना बेटी अपना दुखड़ा गुम गाती है कि माँ आप होती तो ये फलाना ढिंकाना ढंकाना और हमको चाबी दे दी। अरे चाबी दे दे भाई, हाँ ये रही चाबी। तो डेस्क पर रखी हुई चाबी लेके जैसे ही मैं यहाँ का ताला खोलता हूँ, गया सीधा दूसरी दुनिया में। पता नहीं मैं आजकल के हॉरर गेम्स को क्या चल रहा हो रहा है। ओए ये क्या हुआ? अच्छा हाय। अरे माँ इसकी माँ ये भूतनी कैसी बन गई बे। अच्छा नेकलेस चाहिए, नेकलेस मेरे इसकी माँ का है, तेरे को काय को देगी बे। हेलो ये नेकलेस लेने के लिए आई, इसको नेकलेस चाहिए, क्यों चाहिए? अपने पावर से इसको भगाना पड़ेगा। ये लो गई। उस भूतनी को भगाने के बाद हमें एक भूत दिखता है, दूसरा भूत। वो बोलता है कि मेरे को भैया ट्रैप करके रखा। लड़की बोलती है नहीं मेरे को अपने घर जाने का है, तेरे को तेरा मामला मेरे को नहीं देखना। बोलता है मैं तेरी मदद करूँगा बदले में, मैं भाई मेरा टेडी जो है उसको ठीक कर दे। तो ये हमको टेडी के पास लेके जा रहा है, ये रहा इसका टेडी। अब इसका टेडी भी मुझे ही सिलना पड़ेगा। अरे भूत है कुछ तो कर ले भाई, भूत है ना तेरे पास, ताकत वाकत कुछ नहीं, जादू अंतर मंतर गिली छंतर क्या बोल इसको सिलाई भी आती है, वाह। हाँ वो पता नहीं आंटी जी किधर गए, आंटी जी पे जो जादू किया उससे भाग तो नहीं गई, मर तो नहीं गई वो आंटी जी, लगता तो नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ तेरा ना टेडी ठीक हो गया ना। तो ये भूत वापस से प्रकट होके हमको बोलता है कि हम जैसे बहुत सारे बच्चों को उस औरत ने कैद करके रखा है और खिलौने बना रही है। ये क्या इधर पॉपी प्ले टाइम चल रहा है क्या, जो बच्चों को पकड़ के सीधा खिलौने में तब्दील कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है भाई। हाँ तो हमको अभी मैजिकल ऑर्ब ढूंढना है जो इसके अंदर है, तो इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर बीच बीच में भाई साहब इतने सारे खिलौने भी आए ना, वो ज़्यादा कुछ करते नहीं, आपकी हेल्थ कम कर देते हैं। पता नहीं इसके अंदर हुए ऊपर जो डायमंड वाली चीज़ है, लाल रेखा देख रहे हो वो मेरे हेल्थ है। ये देखो मारने आ गए 352। अच्छा बोल दो भाई पासवर्ड। इनको मारने के लिए कुछ हथियार वथियार तो कुछ है नहीं, छोटी मोटी क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, छोटी मोटी से डैमेज ही देते हैं। चलो ये देखो कुछ नहीं कर रहे, चाबी उठा ली अब चलो। अरे अटक गया मैं, तो मैं वो चाबी लेके गया सीधा मैजिकल ऑर्ब ढूंढने, लेकिन भैया इतना बड़ा घर है मेरे को समझ में ही नहीं आया। अच्छा चलो ये रहा मैजिकल ऑर्ब, उठा ले भाई इसको। लो भैया ये भूत भी आ गया। हाँ अब क्या है बता, देट वॉज अमेजिंग, हाउ डिड यू डू दैट, तेरे जैसा डरपोक नहीं जो जमीन के अंदर धस जाए। तो मैजिकल ऑर्ब को ढूंढने के बाद ये हमें ऊपर एक और हमारे ऊपर एक और नई मुसीबत डाल देता है, बोलता है मैजिकल क्रिस्टल्स को ढूंढो। अब अगर एड्स के बगैर खेलने गए तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है, मैजिकल ऑर्ब के वो क्रिस्टल हमको ऐसे इधर उधर मिलना थोड़ा मुश्किल है। हमें एक्चुअली में वो क्या बोलते हैं वो किताब एक ड्रावर में कबड़ के अंदर किताबों का सेट है उसको खोलना पड़ेगा। पहले ये ढूंढो कि वो इधर है किधर, किताबों का सेट किधर है किधर है। अरे खुल जा भाई। लो बाथरूम में मैं क्यों आया,
चुका रहा है, इधर भूतनी नहीं आ रही है, वरना वो बहुत बैंड बजाती है, इसमें आपको चांस नहीं मिलेगा। मर गए तो मर गए, गए खत्म, टाटा बाय बाय गया। अगर मर गए तो वापस रिट्राई करना पड़ेगा। अबे पीछे से नहीं नमूने। हाँ तो इसको ज़रा खोल लेते हैं, इसको पहले मैं अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ, पॉकेट में टाइम वेस्टिंग नहीं करते आपका। तो इसको कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर के सारे तीनों क्रिस्टल गायब, और मैं वहाँ का कागज़ उठाना भूल गया था, उसके चक्कर में मेरे को क्रिस्टल मिले ही नहीं। आई थिंक नहीं नहीं क्रिस्टल मेरे को एक भी नहीं मिला। बिना कागज के उन क्रिस्टल्स को ढूंढ भी नहीं सकते। इन डायमंड्स को क्रिस्टल्स मत समझना, वो बस आपकी हेल्थ बढ़ाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। मैजिक के लिए भी आपको एडवर्टीजमेंट देखनी पड़ती है। तो वापस यहाँ पर आके कागज़ को कलेक्ट कर लिया, अब काम है अपना मैजिक क्रिस्टल्स को ढूंढना। अब पहला ये सवाल है किधर है, ढूंढना बहुत मुश्किल है, हमको इधर ऐसा है कुछ मिलता नहीं रास्ता वगैरह कुछ। वो भूत पता नहीं किधर गया, उसको ऐड दिखाने की पड़ी हुई है, भूत को इधर नहीं आ सकता है, आज़ाद भी होना है और हमको ऐड भी दिखाना है। वाह ये रहा डायमंड, डायमंड से मेरे एचपी अभी तक मेरे को पता नहीं था, टीम में मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को लगा ऐसे ही कुछ है क्या टाइमर वाइमर कुछ, लेकिन बाद में पता चला इससे हमारी एचपी बढ़ जाती है। ये लो एचपी बढ़ गई, पहले मेरे को मालूम नहीं था, सच्ची में मेरे को मालूम नहीं था। अरे वो क्रिस्टल किधर है भाई? तो पहला क्रिस्टल लॉन्ड्री के अंदर, ये लॉन्ड्री है ना, पता नहीं। दूसरा क्रिस्टल किधर, धोबी घाट में। और वो भूतनी किधर है भाई? अरे किधर है भूतनी? को अपने को क्या है, अपने को भूतनी से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, अपने को बस इस दुनिया से निकलना है। वो बेबी नीले में भी वही सीन होता है, हमको सीधा दूसरी, ये लोग ईविल नन जैसा रिचुअल इधर कर रही है वो। ये कौन सा काड़ा मैं इधर रखा है, चलो इधर कहाँ पर है क्रिस्टल, क्रिस्टल किधर है? नानी? अरे ये भूतनी इधर क्या कर रही है, भाग लो पतली गली से, घर में घुस लो भाई। लो चलो घर में वापस से आ गए। अबे क्रिस्टल किधर है भाई, मैं मिलता हूँ दूसरा क्रिस्टल ढूंढने के बाद। तो दूसरा क्रिस्टल भी हमको मिलता है यहाँ पर बेडरूम के पास। ला किधर है क्रिस्टल, एक घंटे से मैं इधर घूम रहा हूँ कबर्ड के अंदर, कुछ है क्या? अरे बाप रे भागो। अबे ये क्या है, कबर्ड कपाट के अंदर क्या कर रहे थे? ओ इधर रहा। अबे साले इधर क्या कर रहे हो यार, मेरा एचपी मत कम करवाओ भाई। अब ये लिविंग रूम क्या होता है मेरे को पहले ये समझाओ। सत्य अनस ये लिविंग रूम किसे कहते हैं भाई? हमको तो भैया ये वरांडा वगैरह वही समझ में आता है, लिविंग रूम वगैरह अपने को समझ में नहीं आता ये किधर है। शायद जिधर वो मैजिकल और शायद हमने ऊपर वाले कपाट में निकला था, कपाट से निकला था ना, तो उधर ही शायद होगा वो मैजिकल और किधर है भाई ये लिविंग रूम। तो फाइनली ये रहा लिविंग रूम। आगे क्या, सीधा गेम खत्म। क्या है भाई और कैसे आगे क्या हुआ वो तो बताया ही नहीं भाई, बताया ही नहीं, आधे पे ही गेम छोड़ दिया। कोई नहीं, अब आगे अगर उसका कोई अपडेट आया तो खेल लेंगे वापस से भाई। वैसे गेम तो अच्छा बनाया। हाँ तो मैं इस गेम का नाम बताया देता हूँ, इस गेम का नाम है एमिली एंड द लॉस्ट स्पिरिट्स, और इसको डेवलप किया है ZNK एंटरटेनमेंट ने। हाँ वही नाम है जिसने स्कैरी टीचर बनाया है, स्कैरी टीचर गेम आपको शायद मालूम ही होगा, तो उसी डेवलपर ने बनाया। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, मेरे को नहीं मालूम उस पर लाइक हो जाना चाहिए, दो से तीन लाइक तो करवा दो भाई, और कमेंट कुछ तो करो कैसी वीडियो लगी, क्या कम था क्या ज़्यादा था, वो सब कुछ कमेंट में लिख दो। और वीडियो चैनल पर अगर नए के साथ तो सब शेयर जरूर करना भूलना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।